हरिओम श्री राम अंबर्य नाथ संगीत। मैं मीनाक्षी जोशी मुरिन वेस्ट सेंटर की हूँ। मैं 2004 से बापू के यहाँ पे आने लगी है। हमें भी बहुत सारे अनुभव आए हैं। मेरा ये किस्सा है, लॉकडाउन के पहले 2019 के एंडिंग में चालू हुआ। मेरा आँख का ऑपरेशन था कैटरेक्ट का, तो उसके लिए कुछ टेस्ट करने पड़ते। वो टेस्ट लेके उनका रिपोर्ट लेके मैं मेरे फैमिली डॉक्टर के पास गई, तो रिपोर्ट तो नॉर्मल ही थे। अभी सब ठीक है, आपको कोई कुछ तकलीफ है क्या? क्योंकि मेरा एज वो टाइम पे 69 था। तो मैं बोली मेरे को 6 साल से थोड़ा ब्लीडिंग होता है, और वो 4 महीने में आता है, ज़्यादा नहीं होता है पर होता है। तो वो डॉक्टर बोली, अरे ये तो बहुत अबनॉर्मल है, आपने कैसे टेस्ट नहीं किया है? तो मैं बोली कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होता था मैंने, इसीलिए वो ये एज में गायनोलॉजिस्ट के पास जाओ ये करो, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो बोली नहीं नहीं आप पहले टेस्ट कराना, अभी ये ऑपरेशन होने दो फिर टेस्ट कराना। फिर मेरा ऑपरेशन हो गया, 1.5 महीना हो गया कैटरेक्ट का ऑपरेशन होने के बाद। मैंने सोनोग्राफी की एक डॉक्टर के जरिए, फिर रात को मैं रिपोर्ट लेके आई घर में, मेरा बेटा बहू को बोले, और अभी हम लोग ये ऑपरेशन करना, कोई गायनोलॉजिस्ट के पास जाना, ये दिशा से चालू हो गए। दूसरे दिन सैटरडे था, वो रिपोर्ट लेके मैं दादा के पास चली गई। तो पहले हम लोग लीवन पड़ेलकर के साथ मिलते हैं, तो उन्होंने भी सर को हाथ लगाया कि आप 6 साल से ऐसे कैसे चुप रहे। फिर बाद में अंदर गए दादा, तो बोले कि ठीक है आप MRI करना, कि उसका पोजीशन क्या है देखेंगे। मेरा अपॉइंटमेंट लिया अंधेरी में MRI का, और मैं अखार से डायरेक्ट वहां पे गई। रिपोर्ट लेके आ गए तो वहां पे उसने लिखा था कि कान काफी बड़ा है, बट वो कैंसर है ऐसा नहीं बोल सकते हैं। फिर हम लोग मंडे के दिन दादा के पास मैं रिपोर्ट लेके गए, तो दादा क्या हुआ था, वो अंधेरी वालों ने डायरेक्ट दादा के पास मेरा रिपोर्ट भेजा था। तो दादा को ये सब आइडिया थी, तो दादा बोले नहीं अभी आप ऐसे करना, डॉक्टर टोनगांव पर है हिंदुजा हॉस्पिटल में, मैं उनका अपॉइंटमेंट लेता हूँ। और दूसरे दिन मुझे, मैं मंगलवार को मेरी बहू को लेके वहां पे गई। फिर टोनगांव कर हरिओम करके बोले, फिर मैंने ये बात बोलने के बाद डॉक्टर टोनगांव कर भी बोले आपको कुछ नहीं हुआ, पेट में दर्द नहीं हुआ या बुखार आया, कुछ नहीं हुआ। मैं बोला नहीं डॉक्टर, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था, मुझे क्या 16 माला करना, 2 दिन में एक रामनाम वही लिखना, इसमें मैं गुल थी। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे और एक टेस्ट कराने के लिए बोला, टेस्ट किया और फिर रिपोर्ट लेके टोंगावकर डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर बोले कि हाँ ठीक है, अभी कोई गांठ नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, ओरी भी निकालना पड़ेगा। तो वो 5 घंटे का ऑपरेशन था। मैं गुरुवार का अपॉइंटमेंट लेके हम हिंदुजा में एडमिट होके मेरा ऑपरेशन हो गया, बड़ा ऑपरेशन हो गया 5 घंटे का। मैं जब ICU में आई, जब ऑपरेशन थिएटर से आई, तो एक सिस्टर बोली आंटी कैसे हो? तो मैं हंस के बोली हाँ मैं अच्छी हूँ। अरे ये आपको इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद आप हंस रहे हैं, ऐसे बहुत कम पेशेंट रहते हैं कि वो ऐसे हंस के बात करते हैं। तो मैं, मुझे मालूम है मेरा अपने बापू अपने साथ में रहते तो अपने को हम खुश ही रहते हैं ना ऐसा। तो फिर वहां पे 5 दिन मेरा ट्रीटमेंट हो गया, फिर ताका निकालने के लिए भी गई। यूजुअली क्या होता है, जब यूटरस निकालना है तो हम लोग मुलुंड के कोई भी गायनोलॉजिस्ट के पास जाते थे, वो हमारा यूटरस निकालते थे। पर ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, और उन्होंने मेरा जब भी गांठ निकाला गया, और अगर कैंसर हो तो एक टेंट डालते हैं ताकि वो अगर कुछ हो गए तो आगे बढ़ना नहीं चाहिए करके, तो उन्होंने टेंट डाला था। तो फिर और एक प्रिकॉशन के लिए मुझे रेडिएशन लेने के लिए बोला, तो वो मुलुंड में फोर्टिस हॉस्पिटल में जाके मैंने लिया। तो वहां पे वो यंग डॉक्टर थी गायनोलॉजिस्ट, फिर उन्होंने अपना प्रोसेस मुझे बताया कि मैंने ये रेडिएशन दिया है, अभी ये रिपोर्ट लिखा है, और वो आप सर को जाके दिखाना। फिर डॉक्टर ने चेक किया और खुश हो गया, तो बोले अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 3 महीना होने के बाद टेन निकाल दो और एक बार प्रोसेस है करके सोनोग्राफी करके उसका रिपोर्ट मुझे किसके हाथ में भी भेज देना, आप नहीं आएगा तो भी चलेगा। और जाते टाइम ये भी कहा कि टेन निकालने के लिए आप ये हॉस्पिटल में नहीं आना, तो मेरा एक असिस्टेंट है थाना में, हॉस्पिटल है उसका, मैं उसको आपका एड्रेस और फोन नंबर देता हूँ, तो आप वहीं से करवाना। फिर हम लोग घर आए, और अभी 15-16 मार्च से तो कोरोना बढ़ गया,
पूरा लॉकडाउन हो गया, फिर हर एक जन डरता था डॉक्टर के पास जाने के लिए या हॉस्पिटल में जाने के लिए, क्योंकि वो कोरोना टेस्ट करना पड़ता था या बाकी के टेस्ट करने पड़ते थे। आखिर जून महीना आ गया तो मैं बोला अरे 5 महीना हो गया, डॉक्टर साहब ने मेरे को पेन निकालने के लिए बोला कुछ होगा तो। फिर मैंने ना बापू को प्रे की, प्रार्थना करके मैंने उनको बोला बापू अभी मैं प्रार्थना करती हूँ, डॉक्टर साहब भी मिल रहे दो। सुबह सुबह मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, बापर डॉक्टर करके है थाना में, तो उन्होंने मुझे एकदम बोला हाँ कल आ जाना आप सुबह, मतलब आ सकते हो सुबह, जो वो ट्रेन निकल के लिखा ये देखो मैडम तुम्हारा ट्रेन रहकर। और खाली 3 दिन का कोई दवा दिया और घर में भेज दिया। अभी मेरे को 2.5 साल हो गया, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ। जो भी कुछ कैंसर था, जो भी था, मेरे डैडी ने वो मेरा पूरा निकाल दिया है। हरिओम श्री राम अंबज्ञा।